गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई थिंक यू ऑल आर डूइंग वेल। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 4, बिपिन चौधरी लैप्स ऑफ मेमोरी। यानी बिपिन चौधरी की लैप्स ऑफ मेमोरी, लैप्स का मतलब होता है गायब हो जाना, और लैप्स का मतलब क्या होता है, लैप्स का मतलब होता है गायब हो जाना, मेमोरी होती है हमारी याददाश्त। तो बिपिन चौधरी की जो लाइफ थी उसमें से एक पार्ट क्या हो गया था, मिस हो गया था। क्या हो गया था? मिस हो गया था। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो बिफोर यू रीड, ये है सत्यजीत रे ने लिखा है ये चैप्टर, राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज सत्यजीत रे। डू यू हैव अ गुड मेमोरी, क्या आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी मेमोरी है? हैव यू एवर प्लेड एनी ट्रिक्स ऑन यू, क्या आपकी मेमोरी ने कभी कोई आपके ऊपर ट्रिक्स प्ले किए हैं या फिर कोई चाल चली है अपनी? फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट यू इन अ टाइट स्पॉट। फॉरगेटफुलनेस का क्या मतलब होता है? जो भुलक्कड़पना होता है हमारा, कभी कभी हम क्या होते हैं, भूल जाते हैं कई चीजों को, रख कर भूल जाते हैं, या फिर क्या होता है, हमें कोई बात याद नहीं होती है, हम चीजों को भूल जाते हैं, वो उसके कारण हम कभी कभी बहुत ही ज्यादा क्या हो जाते हैं, दिक्कत में पड़ जाते हैं। बट फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ इज कम्प्लीटली मेक यू ड्राइव यू क्रेजी। बट अपनी ही लाइफ का एक पार्ट भूल जाने से आप क्या हो जाओगे, पागल हो जाओगे। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में बिपिन बाबू वॉज नियरली क्रेजी, वो बहुत ही ज्यादा पागल हो चुके थे, बिकॉज ही कैनॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची, बिकॉज उन्हें याद ही नहीं आ रहा था कि उन रांची कब गए। ही हैज नेवर बीन टू रांची, ही इंसिस्ट, उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि वो कभी रांची गए ही नहीं। दो देयर आर मेनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी मतलब ऑन दी अदर हैंड देयर वर मेनी विटनेसेस, इसके बहुत सारे विटनेसेस थे। बट वॉट इज द सस्पेंस ऑल अबाउट, बट इसके बारे में क्या सस्पेंस है, ये हम सारा इसमें पढ़ेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद द पार्ट 1। एवरी मंडे, हर सोमवार को, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, अपने काम से घर जाते हुए, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण से न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। वो कहाँ जाते थे, न्यू मार्केट में कालीचरण की दुकान थी, वहां जाते थे ताकि वो क्या खरीद सके, कुछ किताबें खरीद सके। घो क्राइम स्टोरीज होती है, वो घो स्टोरीज या फिर थ्रिलर, थ्रिलर होती है जो कि क्या बनाती है, स्टोरी को बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग बताती है, वो थ्रिलर। ही हैड टू बाय एटलीस्ट 5 एट अ टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, और वो एक बार में 5 खरीदते थे थ्रिलर या फिर जो भी सस्पेंस से रिलेटेड है, ताकि वो उनको पूरे वीक चल जाए, एंड ताकि फिर वो अगले वीक दूसरी खरीदे, मतलब वो 5 खरीदते थे ताकि पूरा वीक उनका निकल जाए आराम से। ही लिव्ड अलोन, वो अकेले रहते थे, ही वॉज नॉट अ गुड मिक्सर, और उन्हें मिक्स होना, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हैड फ्यू फ्रेंड्स, कुछ ही फ्रेंड्स थे उनके, एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग इन आइडियल चैट, और अननेसेसरी बात करना, अननेसेसरी किसी से बात करना कि चलते फिरते किसी से बात कर लिया, ये उन्हें बिल्कुल नहीं। पर ही वॉज अ काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट पर्सन, किस तरीके के आदमी थे, ही वॉज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। टूडे एट कालीचरण, विपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट समवन वॉज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। क्लोज क्वार्टर का मतलब होता है बहुत पास से, एक आज उन्होंने ये नोटिस किया कि कोई उन्हें बहुत पास से क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। ऑब्जर्व का भी लिखेंगे टू सी समबडी इज स्पाइंग ऑन हिम, उनके ऊपर क्या रख रहा है, नजर रख रहा है। He turned round and found himself looking at a round faced, meek looking man who was new round woke into a smile. वह उन्होंने पीछे ही जस्ट टर्न, ही वो पीछे घूमे, एंड उनकी नजर एक गोल चेहरे राउंड फेस वाले व्यक्ति पर पड़ी, जो कि कैसा लग रहा था, मीक, मीक इज वेरी हम्बल पोलाइट, किस तरीके का लग रहा था, वेरी हम्बल वेरी पोलाइट, एंड दिखने वाले, जो अब उनको देखकर क्या कर रहा था, मुस्कुरा रहा था, क्या कर रहा था, ही वॉज स्माइलिंग एट हिम। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, तो उन्होंने कहा मैं नहीं मानता कि आप मुझे पहचानते हैं। हैव वी मेट बिफोर, आज बिपिन बाबू, क्या आप हम कभी मिले हैं, बिपिन बाबू ने उनसे पूछा। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज, जो व्यक्ति था वो बहुत ही ज्यादा क्या होने लगा, आश्चर्यचकित होने लगा। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक, तो उसने
कहा हम एक हफ्ते तक रोजाना मिलते थे, आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुदरू फॉल्स, और मैंने आपके लिए हुदरू और फॉल्स यानी प्रपात यानी झरना वहां पर जाने के लिए एक कार का भी अरेंजमेंट किया था, प्रबंध किया था इन 1958। कब? 1958 में इन रांची। माई नेम इज परिमल घोष, और मेरा नाम क्या है, आई एम परिमल घोष, और उसने अपना इस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया। रांची, उन्होंने बहुत एस्टॉनिश्ड होकर पूछा विपिन बाबू ने, रांची? नाउ विपिन बाबू रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ही बट दिस द मैन हु वॉज मेकिंग अ मिस्टेक। बट अब विपिन बाबू को क्या रियलाइज हो गया था कि मैं गलती नहीं कर रहा हूँ, ये जो सामने वाला व्यक्ति है इसने मुझे पहचानने में क्या कर लिए, गलती कर ली है। विपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, इससे पहले विपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं थे। ही हैड बीन एट अ पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, बट उन्होंने रांची जाने के लिए बहुत बार सोचा, बहुत बार, सेवरल टाइम्स, बट नेवर मेड इट, बट द प्लान नेवर गॉट सक्सेसफुल, ऐसा हुआ कि कभी जाना ही नहीं हुआ। ही स्माइल्ड एंड सेड डू यू नो हु आई एम, उन्होंने स्माइल किया और उन्होंने कहा आप जानते हैं मैं कौन हूँ। द मैन रेज्ड हिज आईब्राउज, उन्होंने अपनी बोहे चढ़ा ली, बट बिट हिज टंग, अपनी जबान को, मतलब व्हाट ही डिड कि उसने जीभ को काटा थोड़ा सा, एंड सेड डू आई नो यू हु डजंट नो विपिन चौधरी, तो क्या मैं आपको जानता हूँ, विपिन चौधरी को कौन नहीं जानता है। विपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड द बुक शेल्फ, विपिन बाबू ने उसकी बातों पर ध्यान दिया और बुक शेल्फ की तरह टर्न किया एंड सेड स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, आप अभी भी क्या कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो। वन ऑफन डन्स, होता है कभी कभी, आई हैव नेवर बीन टू रांची, बट मैं कभी रांची नहीं गया। द मैन नाउ लाव्ड अलाउड, तो जो व्यक्ति था वो जोर से हंसने लगा। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी, आप क्या कह रहे हैं मिस्टर चौधरी, यू हैड अ फॉल इन हुदरू एंड कट योर राइट नी, आप हुदरू गए थे तो आप गिर गए थे और आपको चोट लगी थी राइट नी में, घुटने में, राइट वाले में। आई वॉट यू आयोडीन, आई हैड फिक्स्ड अप अ कार फॉर यू टू गो टू नेतार हार्ट द नेक्स्ट डे, बट यू कुडंट गो बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, तो उन्होंने कहा मैंने तो आपके लिए नेतार हार्ट के लिए कार भी बुक करी थी बट आप जा नहीं पाए थे अगले दिन क्योंकि आपके पैर में क्या हो रहा था, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, समवन एल्स यू नो ऑल्सो इन रांची एट दैट टाइम, मिस्टर दिनेश मुखर्जी, और आपके साथ उस टाइम पे और कोई और भी था, वो थे मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन अ बंगलो, आप एक बंगलो में रुके थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, आपने ये भी कहा था कि आपको होटल का फूड पसंद नहीं है। वुड यू प्रिफर टू हैव मील्स कुक बाय अ बावर्ची, और आपने कहा था कि आपको कुक के हाथों का खाना ही खाना है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी अपने सिस्टर के साथ रहते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग रिमेम्बर, और आपकी बहुत बड़ी एक लड़ाई भी हुई थी अबाउट द मून लैंडिंग, कि मून कैसे लैंड होता है। रिमेम्बर आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स, इट इज इन योर ओन साइड ट्रिंक्स, एम आई राइट और नॉट, उन्होंने कहा मैं आपको और भी चीजें बताता हूँ कि आप अपने साथ बुक्स भी लेकर जाते हैं, बहुत सारी कैरी करते हैं। विपिन बाबू उसको क्वाइटली स्टिल हिज आईज ऑन द बुक्स, उन्होंने कुछ सुन बस धीरे से बोले और उन्होंने अपना ध्यान उनका किताबों पे था। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, कौन से महीने की बात कर रहे हैं आप 58 की? द मैन सेड अक्टूबर। नो सर सेड विपिन बाबू, उन्होंने कहा आई नहीं, ऐसा नहीं है सर, आई स्पेंड पूजा इन 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, 58 में तो मैं कानपुर में था अपने फ्रेंड के साथ, एक पूजा अटेंड कर रहा था। यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, गुड डे, उन्होंने कहा आप गलत फहमी हुई है आपको, हैव अ गुड डे। बट दैट मैन डिडंट गो नॉर डिड ही स्टॉप टॉकिंग, बट वो जो व्यक्ति था वो वहां से गया भी नहीं और उसने बात करना भी नहीं छोड़ा। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, एक दिन मैंने आपके साथ चाय भी पी थी आपके साथ बंगलो में। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने मुझे आपकी फैमिली के भी बारे में बताया। You said you had no children, आपने कहा आपके बच्चे नहीं है। You had lost your wife 10 years ago, आपकी वाइफ को आपने 10 साल पहले खो दिया था। You had only brother, had died insane, insane का मतलब होता है पागल हो जाना, आपका एक ही ब्रदर था जिसकी डेथ हो गई थी पागलपन से। Which is why you didn't want to visit the mental hospital in Ranchi, इसी कारण से आप mental hospital नहीं जाना चाहते थे रांची। When Bipin Babu had paid the books, उन्होंने जब books के पैसे दे दिए and was leaving the shop, the man was looking him in utter disbelief. Utter मतलब होता है, utter disbelief का एक साथ आएगा
और अटर डिसबिलीफ का मतलब होता है कंप्लीट सरप्राइज। और उन्होंने पैसे दिए और वो वहां से जाने लगे और जो व्यक्ति था वो उन्हें कंप्लीट सरप्राइज में देख रहा। सो हमने पार्ट वन कर लिया है। टुडे यू हैव टू डू दी हार्ड वर्क्स ऑफ दिस चैप्टर एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।